हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है अनु छाबड़ा। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये ड्रामेटिक कट क्रीज मेकअप लुक। ये लुक आप कॉकटेल पार्टी या किसी भी नाइट फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे दीजिएगा एक बड़ा सा थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, इट मींस अ लॉट टू मी। आज मैं वेट एंड वाइल्ड का ये कंफर्ट जोन पैलेट यूज करूंगी। इसे मैंने nykaa.com से परचेज किया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये है इस पैलेट के स्वाचेस। मैट कलर्स काफ़ी अच्छे ब्लेंडेबल हैं, बट शिमरी कलर जैसे कि पैलेट में दिख रहे हैं उससे थोड़े से डिफरेंट हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अपने आईलिड्स को मैंने कंसीलर से प्रेप कर लिया है। मैंने मेबलिन का कंसीलर यूज़ किया है इन द शेड लाइट। सबसे पहले मैं ये लाइट ट्रांजिशन कलर अपने क्रीज लाइन में ब्लेंड करूंगी और इसके लिए मैंने एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं ये सेकेंड मैट कलर ले रही हूँ और एक पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अपनी क्रीज में ब्लेंड करूंगी। इसे मैं फर्स्ट कलर से थोड़ा सा नीचे अपनी क्रीज में ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे इस लुक के लिए टेप मेथड यूज़ करना चाहिए, तो मैंने वही टेप यूज़ किया है। अब मैं एक दूसरी पैलेट में से ब्लैक मैट आई शेडो ले रही हूँ और पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज में एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि मेरा कट क्रीज जो है बिल्कुल क्रिस्प दिखे। और अब नेक्स्ट मैं ये एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जो मैंने सेकेंड क्रीज कलर लिया था उससे इस ब्लैक कलर के एजेस को ब्लेंड करूंगी ताकि कोई हार्श लाइंस नहीं रहें। स्मॉल सर्कुलर मोशंस में मैं इसे ब्लेंड करूंगी और मैं इसे अपने आईज के थोड़े से इनर पोर्शन में भी लेकर जा रही हूँ। And here I am taking my time to blend all these colors. और अब मैं ये सिंथेटिक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी पूरी क्रीज को कट करूंगी। इसके लिए मैंने मेबलिन का कंसीलर लिया है। और अब मैं इसे लूज पाउडर से सेट कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं ये लाइट शिमरी कलर को अपने आईज के 1/3 पोर्शन में लगा रही हूँ। यहाँ मैंने फ्लैट ब्रश को सेटिंग स्प्रे से थोड़ा सा वेट किया है। मैं ये डार्केस्ट बर्गेंडिश ब्राउन कलर ले रही हूँ। इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अ ब्लैक शिमरी आई शेडो। पैलेट में ब्राउन दिख रहा है बट अप्लाई करने पे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ये कलर। अब मैं इसे फिंगर से भी इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। और अब मैं इन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ जो मैंने दूसरी पैलेट में से यूज़ किया था और पेंसिल ब्रश की हेल्प से एक वी शेप क्रिएट कर रही हूँ अपने आईज के कॉर्नर में और इसे मैं अपने थोड़ा सा क्रीज में भी लेकर जाऊंगी। और नेक्स्ट मैं फर्स्ट ट्रांजिशन कलर से इस ब्लैक कलर को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन्स नहीं दिखें। अब मैं ब्लैक आई शेडो को फिर से कट क्रीज पर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल क्रिस्प और शार्प दिखे। और आज मैं विंग क्रिएट करूंगी। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ NYX का मैट आईलाइनर।
टेप मेथड से आईलाइनर लगाना बहुत इजी हो जाता है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। And here I have done rest of my face makeup and second eye. सबसे पहले मैं दोनों transition colors को अपनी lash line के बिल्कुल पास में blend करूंगी और इसके लिए मैंने एक small blending brush लिया है और अब pencil brush की help से black eye shadow को भी इन्हीं colors के ऊपर blend कर रही हूँ। गाइज, इस लुक को और ड्रामेटिक करने के लिए आप इस पर ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं अपने लोअर लैश लाइन में व्हाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लैक पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। और नेक्स्ट मैं ये लाइट शिमरी कलर से अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी। और अब मैं यहाँ अपना फेस मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ, मैंने मिलानी का ब्लश यूज किया है। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इसे मैं अपने कॉन्टूर के साथ अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई हार्श लाइंस नहीं रहे और ये बिल्कुल ब्लेंडेड दिखे। Then I'll set my face with setting spray. और इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मेरा फेवरेट पैक हाइलाइटर। और इसे मैं अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी। और अब मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट करूंगी, अपने लैशेस को कर्ल किया है मैंने और आई एम यूजिंग माय करंट फेवरेट मेबलिन सेंसेशनल मस्कारा। और ऑफ कैमरा मैंने अपने आई लैशेज अप्लाई कर लिए हैं, मैंने पैक के आई लैशेज यूज किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लाइट वेट हैं। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का लिप कलर है, न्यूट कलर है, बहुत ही अच्छा है, काफी कंफर्टेबल है लिप्स पर। इसका शेड नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो गाइस, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।